किरचॉफ लॉ हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पर आज के लेक्चर के अंदर किरचॉफ लॉ यूज होना है इसलिए एक बार रिवाइज करवा दूं। तो किरचॉफ का दो लॉज हैं, जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली अगर एक जंक्शन पे बहुत सारी वायर्स हैं, करंट आ रहा है और जा रहा है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जंक्शन पे आ रहा है और जा रहा है उनका सम बराबर होगा। दूसरा लॉ लूप लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लूप लॉ, ये क्लोज लूप में लगता है। इसके अंदर जैसे दो बैटरीज हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है स्टूडेंट को, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि गलत है और कैसे करूं। तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा लेक्चर नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम होने वाला है, तो उसके अंदर हम पूरे लेक्चर में किरचॉफ लॉ कैसे लगता है इसके ऊपर हम काम करेंगे और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और आपको असाइनमेंट दूंगा और करवाऊंगा भी, ताकि आपका हाथ बैठ जाए कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से आई करंट गया, आई करंट इसमें गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही या गलत एक ही चीज पर डिपेंड करती है कि जितना करंट बाहर निकला उतना ही करंट एंटर होना चाहिए। अगर हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है, नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। बीच में जो मर्जी करो, तो आई करंट आया, इसमें से आई डैश नीचे और बचा हुआ आई माइनस आई डैश इधर, तो इसमें से आई माइनस आई डैश इधर, यहां से आई माइनस आई डैश, इधर से आई डैश, ये दोनों मिलेंगे तो क्या आएगा, आई। तो यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि आई गया, आई आया, इधर आई माइनस आई डैश आया, आई माइनस आई डैश गया। स्टूडेंट ये सोचता है मेरे को कैसे पता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करनी है, क्या पता कल को मैं यहां से करंट आई निकाल दूं और यहां आई वन आई टू कर दूं। हाँ तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी करो, लेकिन जितना करंट बैटरी में से निकालोगे उतना एंटर भी करवाना है बस। राइट, क्लियर है? तो इसके ऊपर काम बाद में करेंगे, अभी फोकस करते हैं कि लॉ लगता कैसे है। तो जैसे क्लोज लूप लेते हैं ये पूरी की पूरी, तो इसमें किरचॉफ का लॉ लगाते हैं कैसे। अगर मैं यहां से स्टार्ट होकर करंट की डायरेक्शन में जाता हूं, करंट की डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होगा, तो मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो माइनस आई इंटू आर वन, फिर करंट नीचे आ रहा है तो माइनस आई डैश इंटू आर टू, फिर करंट इधर जा रहा है माइनस आई इंटू आर थ्री, फिर माइनस से प्लस पे आ रहा है तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से यहां पे लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, फिर नीचे आ रहे हैं माइनस से प्लस तो लोअर से हायर तो ई एम एफ पॉजिटिव, फिर इधर आ रहे हैं करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, और फिर ऊपर आ रहे हैं लेकिन करंट हमारा नीचे आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो किरचॉफ लॉ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई उसके ऊपर फोकस ना करें, कैसे लगा किरचॉफ लॉ, ये क्लियर है? ठीक है यहां तक?